हाय फ्रेंड्स, जियो ने न्यू ईयर पर अपने नए प्लान है वो जारी कर दिए। जो जियो के कस्टमर हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार नए साल के ऊपर जियो अपने कस्टमर के लिए क्या नए ऑफर या फिर नए प्लान है वो लेकर आने वाला है। तो जियो ने आज अपने नए प्लान है वो जारी कर दिए हैं और जियो की तरफ से जो नया प्लान जारी किया गया है उस प्लान का नाम जियो ने रखा 2020 ऑफर। तो साथ ही ये 2020 प्लान क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही 2020 वाले ऑफर के क्या फायदे और क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहे। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, नए साल पर जियो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए यहाँ एक साथ दो नए प्लान है वो जारी किए। एक प्लान है जो जियो फोन के यूजर है उनके लिए है, इसके साथ दूसरा जो प्लान है जो स्मार्टफोन यानी जो जियो की सिम यूज करते हैं उनके लिए। दोनों ही प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो साथियों देखिए, जियो ने जो ऑफर का नाम रखा है वो है 2020। आप इस 2020 प्लान को 2020 रुपए वाला प्लान भी आप बोल सकते हो। अब देखिए, जो जियो की सिम यूज करते हैं उनको इस 2020 या फिर 2020 रुपए वाले प्लान में क्या मिलने वाला है। देखिए साथियों, अगर आप जियो की सिम यूज करते हो, अगर आप 2020 रुपए का रिचार्ज करते हो नए प्लान के अनुसार, तो इसमें आपको 365 दिन की वैलिडिटी यानी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग है वो मिलने वाले। इसके साथ ही आपको 1.5 GB का डाटा पर डे के हिसाब से मिलने वाला और यहाँ आपको अदर नेटवर्क के लिए पर मंथ है वो आपको 1000 मिनट वो मिलने वाली है। चलिए दूसरे प्लान की बात कर लेता हूं। अगर साथियों आप जियो के फोन रखने के शौकीन हो, जियो के फोन खरीदना आप चाहते हो, तो आप इस नए प्लान के अनुसार अगर आप 2020 रुपए खर्च करते हो तो आपको जियो फोन मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग है वो मिल जाएगी। और यहां अगर आप जियो फोन यूज करते हो तो यहां आपको 512 MB का जो डाटा है वो पर डे के हिसाब से मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको 1000 मिनट है अदर नेटवर्क के लिए पर मंथ है वो आपको मिलने वाली है। तो साथियों नए प्लान के अनुसार आपको 365 दिन की वैलिडिटी प्लस 1.5 GB का डाटा प्लस आपको अनलिमिटेड कॉलिंग है वो मिलने वाली है। लेकिन खास बात यहाँ ये है, यहाँ पर देखिए जियो ये बोल रहा है कि इस नए प्लान यानी 2020 वाले प्लान के अंदर आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है। लेकिन साथियों ये अनलिमिटेड कॉलिंग है वो सभी नेटवर्क पर नहीं है, ये केवल जियो टू जियो है। यानी अनलिमिटेड कॉल केवल आप जियो टू जियो कर सकते हो। यदि आप जियो को छोड़कर अन्य किसी नेटवर्क एयरटेल आइडिया वोडाफोन पर अगर आप करते हो तो वहां आपको जो IUC चार्जेस है यानी पर मिनट के जो 6 पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे या फिर आपके लगेंगे। तो यहाँ अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है, इस बात को आप विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार की कोई अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं है। केवल अगर आप अदर नेटवर्क पर कॉल करते हो तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसा है वो खर्च करना पड़ेगा। चलिए साथियों, अब जियो के इस 2020 प्लान के फायदे और नुकसान की अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन इसके फायदे की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगर फायदे की बात करें तो इस प्लान में कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, केवल एक छोटा सा फायदा हो रहा है। यहाँ आपको केवल 365 दिन यानी 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिल रही है। इसके साथ आपको हर 3 महीने से रिचार्ज करवाने का छुटकारा मिल रहा है। बस मेरी ओपिनियन में केवल इसका यही फायदा। आपकी ओपिनियन क्या है, आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस ऑफर से क्या और फायदे है मुझे कमेंट में जरूर बताना। नुकसान की अगर बात करें तो इस प्लान से नुकसान ही नुकसान है सारे, क्योंकि जियो की तरफ से ये कहना है अगर आप ये 2020 रुपए का रिचार्ज करवाते हो तो आपको 365 दिन की वैलिडिटी है वो तो मिलने ही वाली है। इसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी वो भी केवल और केवल जियो टू जियो। और यहां अदर नेटवर्क पर अगर कॉल करते हो आप, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन, तो भैया आपको यहाँ पर मंथ केवल और केवल 1000 मिनट है वो ही मिलने वाली है। तो साथियों अगर अपन छोटे प्लान की बात करें जो 3 महीने का होता है, तो उसमें भी हमें पर मंथ है वो 1000 मिनट मिलती है अदर नेटवर्क के लिए। तो इतना बड़ा रिचार्ज करवाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे नुकसान की, तो देखिए जियो ने पहले जो नए ऑफर लॉन्च किए थे इस प्लान से, पहले के प्लान की बात कर रहा हूं जो 6 दिसंबर से लागू हुए थे, तो वहां पर जो 365 दिन यानी 12 महीने की वैलिडिटी वाला जो ऑफर था, प्लान था, उसकी राशि रखी गई थी 2100 रुपए के लगभग। उसमें भी आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिल रही, केवल यहां आपको 150 रुपए है कम करके 2020 रुपए का प्लान है आपके सामने रख दिया। वैलिडिटी वही,
आपके साथ कॉलिंग भी वही, आपको अदर नेटवर्क के लिए मिनट भी वही, तो इससे क्या फायदा है, ये नुकसान ही नुकसान है। तो साथियों इस तरह से जियो की तरफ से जो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए जो नए प्लान है जो लॉन्च किए हैं, भैया मैं तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। आप कितने खुश हैं, आपको ये नया प्लान कैसा लगा साथियों मुझे कमेंट में जरूर बताना, और साथियों ये भी बताना ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए मेहमान और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनसे मैं यार ये रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।